इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। सभी क्वेश्चन आपके जुलाई 2023 के अपडेटेड के साथ हैं और आपको बता दिया जाता है कि अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो सभी डेली एक पेपर सेट करवाया जाता है। एग्जाम से पहले आपके टोटल 30 पेपर सेट के साथ 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तक मैंने 12 पेपर सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आगे आपको इस वीडियो के बाद आगे के दिनों में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी योजनाएँ और भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन, यानी कि आपको दिन में दो वीडियो देखने को मिलेगा, एक 4:45 बजे जिसमें आपको या तो करंट अफेयर का जिक्र होगा या फिर आपके साइकोलॉजी का, और जो 7 PM पर होती है वहाँ डेली आपको वही टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा जो कि आरपीएससी द्वारा राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए। अब बात करता हूँ वर्तमान में कौन क्या है 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबचंद कटारिया को असम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपके पास ऑप्शन है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, पंकज मित्तल, ऑगस्टिन जॉर्ज मशिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशिया। आपको बता दिया जाता है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले 40वें मुख्य न्यायाधीश थे पंकज मित्तल के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने, और अब 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशिया। एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको बता दिया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है कांता भटनागर, और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा। इसके अलावा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 50 न्यायाधीश के पद कार्यरत है या पद स्वीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, गुवाहाटी, कर्नाटक, मद्रास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त हुए। आपके पास ऑप्शन है खिलाड़ी लाल बैरवा, डीपी गुप्ता, एमएल लाठर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है वो नियुक्त हुए डीबी गुप्ता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। खिलाड़ी लाल बैरवा, विनय कुमार सक्सेना, एमएल लाठर, कैलाश चंद वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रबंध निदेशक कौन है। राजीव कुमार, विनय कुमार सक्सेना, एमएल लाठर, कैलाश चंद वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रबंध निदेशक है कैलाश चंद वर्मा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। उषा शर्मा, मधुकर गुप्ता, हरिप्रसाद शर्मा, अरुण कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जीके की क्विज बिल्कुल फ्री में अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आर के मीणा, मधुकर गुप्ता, हरिप्रसाद शर्मा, अरुण कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है हरिप्रसाद शर्मा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दिया जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष आपके थे आर के मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरपीएससी जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है आर के मीणा, संजय छोत्रिय, हरिप्रसाद शर्मा, अरुण कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय छोत्रिय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दिया जाता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? एम एल लाठर, रवि दत्त गौड़, आनंद श्रीवास्तव, अरुण कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हैं रवि दत्त गौड़। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? एम एल लाठर, रवि दत्त गौड़, आनंद श्रीवास्तव, अरुण कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जयपुर के पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद मायाराम, राजेंद्र राठौड़, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है अरविंद मायाराम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? एम एल लाठर, रवि दत्त गौड़, आनंद श्रीवास्तव, उमेश मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है उमेश मिश्रा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसे पहले थे एम एल लाठर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उषा शर्मा, प्रद्युमन सिंह, आनंद श्रीवास्तव, उमेश मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, प्रद्युमन सिंह, आनंद श्रीवास्तव, उमेश मिश्रा। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दिया जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांता खातूरिया। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, महादेव सिंह खंडेला, आनंद श्रीवास्तव, रियाना रिया चिश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है महादेव सिंह खंडेला। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन डेली पेपर सेट करवाया जाता है। एग्जाम से पहले टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। 7 PM पर आपको इसी चैनल पर डेली एक सेट करवाया जाता है। अब तक 12 सेट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, महादेव सिंह खंडेला, आनंद श्रीवास्तव, रियाना रिया चिश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रियाना रिया चिश्ती। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय छोत्रिय, धर्मपाल जारोली, मेघना चौधरी, रैना रिया चिश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर हाल ही में मेघना चौधरी को नियुक्त किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में राजस्थान राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मपाल जारोली, बीडी कला, रयाना रिया चिश्ती। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य में भाजपा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मपाल जारोली, बीडी कला, रयाना रिया चिश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री हैं बीडी कला, जिनके फुल फॉर्म है बुलाकी दास कला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य के वन एंड पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, बीडी कला, कैलाश चौधरी। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री हैं हेमाराम चौधरी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी, लालचंद कटारिया, बीडी कला, कैलाश चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल भैरूलाल अंजना, लालचंद कटारिया, प्रसादी लाल मीणा, कैलाश चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सहकारिता मंत्री वर्तमान में है उदयलाल भैरूलाल अंजना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयलाल भैरूलाल, सॉरी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयलाल भैरूलाल अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उदयलाल भैरूलाल अंजना, लालचंद कटारिया, प्रसादी लाल मीणा, कैलाश चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान महिला बाल विकास मंत्री कौन है? उषा शर्मा, ममता भूपेश, रेखा शर्मा, कैलाश चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान महिला बाल विकास मंत्री आपके हैं ममता भूपेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, अशोक चांदना, वैभव गहलोत, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के खेल मंत्री है आपके अशोक चांदना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के राजस्व विभाग के मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खचरियावास, महेंद्रजीत सिंह, रामलाल जाट, रमेश मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व विभाग के मंत्री हैं रामलाल जाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामलाल जाट। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। राजस्थान पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट, रमेश मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग के मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? उषा शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट, शकुंतला रावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भवरू खान, अशोक चांदना, वैभव गहलोत, वीरेंद्र पूनिया। तो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है भवरू खान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भवरू खान, शुक्राम बिश्नोई, राम अवतार जाखड़, वीरेंद्र पूनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में आपके राम अवतार जाखड़। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके जुलाई 2023 की अपडेटेड के साथ है, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? धीरज कुमार, वीरेंद्र पूनिया, सुखराम बिश्नोई, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है
धीरज कुमार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत, वीरेंद्र पुनिया, अशोक चांदना, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है वैभव गहलोत, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके सचिव है महेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवनी लेखरा, वीरेंद्र पूनिया, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बता दिया जाता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। वर्तमान में राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मेवाराम जैन, हेमाराम चौधरी, अशोक चांदना, लक्ष्मण मीणा। तो राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष है मेवाराम जैन और उपाध्यक्ष है सुमेर सिंह राजपुरोहित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, मानविंदर सिंह, अशोक चांदना, लक्ष्मण मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है मानविंदर सिंह। राजस्थान फुटबॉल संघ का गठन 1934 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, मानविंदर सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, लक्ष्मण मीणा। तो वर्तमान में राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है वो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण, भूपेंद्र कुमार दक, गजेंद्र सिंह शेखावत, लक्ष्मण मीणा। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष है दुलाराम सहारण और इसका मुख्यालय आपके है उदयपुर में, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें विजेता कौन रहे थे? अनिल शर्मा, भूपेंद्र कुमार दक, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र प्रसाद। तो हाल ही में सरदार शहर विधानसभा में उपचुनाव हुए थे उसमें अनिल शर्मा कांग्रेस के है वो विजेता रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया, बरकतुल्ला खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो आपका आंसर हो जाएगा बरकतुल्ला खान। और अगर पूछा जाए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो आपका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? सरदार गुरुमुख नियाल सिंह, कलराज मिश्र, हेमंत सोरेन, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है आपके कलराज मिश्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब आपको अगर पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल या फिर प्रथम महिला राज्यपाल तो आपको बता दिया जाता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख नियाल सिंह थे और प्रथम महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा पाटिल थी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन है? कुलदीप रांका, कलराज मिश्र, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो है कुलदीप रांका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? आपके पास ऑप्शन है अशोक गहलोत, कुलदीप रांका, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान का जो वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है?
प्रद्युमन सिंह, कलराज मिश्र, प्रताप कृष्ण लोहरा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। और प्रथम लोकायुक्त का पूछे तो प्रथम लोकायुक्त है न्यायमूर्ति आईडी दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? प्रद्युमन सिंह, श्री के राधाकृष्ण, उषा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है आपके उषा शर्मा। और प्रथम मुख्य सचिव का पूछे तो श्री के राधाकृष्ण आपके प्रथम मुख्य सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? प्रद्युमन सिंह, श्री के राधाकृष्ण, नरपत मल, महेंद्र सिंह सिंघवी। तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है वो है आपके महेंद्र सिंह सिंघवी। और राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता पूछा जाए तो प्रथम महाधिवक्ता है नरपत मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में वर्तमान में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी, विश्वेंद्र सिंह, नरोत्तम जोशी, शकुंतला रावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है आपके सीपी जोशी। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष है नरोत्तम जोशी। और राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला और बाल कल्याण संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है अनिता भदेल, श्री के राधाकृष्ण, उषा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला और बाल कल्याण संबंध समिति के अध्यक्ष है अनिता भदेल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष कौन है? अनिता भदेल, राजेंद्र राठौड़, उषा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 15वीं विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? गणेश शंकर, नवीन पालीवाल, आदित्य शर्मा, राजकुमार शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया नवीन पालीवाल को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? सीपी जोशी, नवीन पालीवाल, प्रवीण गुप्ता, राजकुमार शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी, साले मोहब्बत, प्रवीण गुप्ता, राजकुमार शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री है साले मोहब्बत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई 2023 के अपडेटेड के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो।